इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज एक दिवस, इस दिवस पर, इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा, करीब करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था और आज जो उनकी सोच है गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत, जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप्त हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर, आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रेल रनवे पर प्लेन, रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, रनवे और पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन, एक्सप्रेस वे में दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का, एक महत्वाकांक्षी संकल्प का जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की।